गाइस वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग, आपका स्वागत है एक बार फिर से। भाई लोग काफी मस्त होंगे, थोड़ा तबीयत डाउन है और शॉपिंग एरिया सुबह से चला बीमार था और बुखार 104 डिग्री था और ब्लड टेस्ट वगैरह कराया तो टाइफाइड मलेरिया दिख रहा है और गला भी बैठा। टाइफाइड मलेरिया के साथ साथ डॉक्टर ने बोला आराम करो घर पे, आप कहीं मत जाओ एक दो दिन, लेकिन मैंने दुकान से फोन भी आया था कि आओ बहुत जरूरी है लेकिन नहीं जा पाया। उसके बाद नहीं है बस तबियत नहीं सही है। तो आज का ब्लॉग आप लोग के लिए ये है कि मैं अपने दोनों बहनों को जो ब्लॉग में आपको देखे थे कि मैंने कोई गिफ्ट नहीं दिया था, आज मैं वो गिफ्ट अपने बहन को लेकर जा रहा हूँ। सबसे पहला गिफ्ट मैं बदना देवी को देना चाहूंगा। बदना देवी गिफ्ट देते हैं बदना देवी को। हाँ तो दीदी को गिफ्ट दे देते हैं। क्या बात है, राखी का गिफ्ट है, कितना प्यारा गिफ्ट है। थैंक यू, इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन क्या कर सकते, अब दे रहे हो तो मना भी नहीं कर सकते। नहीं बिल्कुल भाई, फोटो भी निकाल दिया ना, फोटो भी निकाल लेना भाई, ऊपर से निकाल लेना, उसी से निकाल लेना ना। बड़े भाई साहब भी दिए हैं, सबका एक साथ में खोलेंगे क्या क्या मिला है मायके से। तो ये दीदी को गिफ्ट दे दिया, बाकी गिफ्ट अभी खोल ले गया, अभी मत खोलो, दिल्ली जाके अनबॉक्सिंग करेंगे। अरे एक खोलेंगे, दिल्ली डब्बा लेकर जाएंगे हम। चलो पसंद आएगा तो बताना, नहीं पसंद आएगा देख लेते हैं, अभी मत पसंद तो आएगा ही, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं आएगा, पसंद आएगा नहीं आएगा तो आप ऊपर है। तो दोस्तों बने रहो ब्लॉग में, अच्छा नहीं पसंद नहीं आएगा क्या, अब तुम्हारी इच्छा अगर मत करना चाहते तो अपना कर सकते। अब इन्होंने दे दिया मेरा काम खत्म, तो गाइस जैसे आपको पता है कि बदना दी को जो ड्रेस दिया वो छोटा हो गया था, किट्टो का ड्रेस अभी नहीं दिया, किट्टो के भी किसी को कुछ नहीं दिया, बदना दी को दे रहा था। तो फिर अचानक से ख्याल आया कि हम तीनों भाई मिल के, विनय और मैं और पंकज भैया मिल के एक अच्छा सा गिफ्ट देते हैं और वो गिफ्ट चलते हैं मार्केट में खरीदते हैं, वो सरप्राइज गिफ्ट रहेगा। ये आपको हमारे ब्लॉग के माध्यम से पता चलेगा कि मैं अपने बहनों को क्या गिफ्ट देने जा रहा हूँ, क्या परचेजिंग करने जा रहा हूँ, तो आप लोग को दिखाते हैं। चलते हैं मार्केट में और खरीदते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। गाइस आ गए फिर से उसी शॉप पे, हरी शंकर ज्वेलर्स, जहाँ पे हमारे भाई साहब यहाँ रहते हैं और यहाँ भैया पल्ले से बैठे हुए हैं और उन्होंने सब बताया कि हम लोग मिलके एक सरप्राइज गिफ्ट देंगे। और गिफ्ट क्या देंगे, सिल्वर गोल्ड दोनों देंगे। हाँ और देखते हैं कि आयुष भाई के शॉप पे क्या क्या चीज़ें व्यवस्था है क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम लेना तो तीनों बंदों को चाहते थे लेकिन पूनम दीदी नहीं आए, तो जो अमाउंट है वो पूनम दीदी को हम ट्रांसफ़र कर देंगे, हम तीनों भाई मिलकर एकदम जो दोनों बंदों को देंगे यानी किट्टो बंदा को, वही चीज़ पूनम दीदी को, तो ना अमाउंट पूनम दीदी को ट्रांसफर कर देंगे हम। तो आप लोग को दिखाते हैं क्या परचेसिंग करते हैं क्या लेते हैं। तो आयुष भाई सबसे पहले आप मुझे दिखा दो पायल वगैरह, ठीक है। तो बड़े भैया यहाँ देखिए अंदर हैं और शॉप में चारों तरफ ज्वेलरी ज्वेलरी नज़र आ रही है। तो आप लोग बताना क्या ये सब गिफ्ट जो करते हैं, आप लोग कहते हैं भैया हमेशा सिल्वर गोल्ड देते हो तो वाकई में देते हैं तभी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं भी चले जाओ बस ऐसे दिखाने के लिए। चलो यहाँ पे भैया ने निकाल दिया है पायल वगैरह, आप गाइस पसंद करना, बहनें तो ब्लॉग देखेंगी तो लोग को समझ में आ जाएगा कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। कार्ड पायल ले दो यार, भारी वाला भी कार्ड ले ले। ये पायल गाइस ले लेते हैं और एक थोड़ा सा कान या नाक में का देखते हैं क्या ले सकते हैं, वही दिखाएंगे। इतना भारी नहीं चाहिए भाई, इतना वजन दोगे तो तुम बिक जाएंगे भाई, जितना हमारा चादर है उतना पैर फैलाएंगे हम, ज़्यादा मोटा वो नहीं लेंगे, जो सिस्टम है जो एक होता है ना कि बस जितना बजट हो उतना ही दे, क्या कितना मोटा वो पहने की भी नहीं इतना मोटा, तो इतना मोटा भारी मत दिखाया आयुष, ठीक है। ठीक आप लोग इसको बस ऐसे ही दिखाना सिंपल डिजाइन में, क्यों दोस्तों सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, आप लोग ज़रूर बताना मेरे को। तो सिंपल दिखाओ भैया, उधर देखिए ले रहे हैं पूरा गोदरेज की अलमारी पूरा इनके ऊपर ही है, और कौन सी डिजाइन है यार, ये भी ठीक मोटा हुए थोड़ा पतला में दिखा देता हूँ डिजाइन थोड़ा अच्छी हो जो। तो गाइस इसने इतना डिजाइन देखने के बाद हमने दो पायल यहाँ पे छाट लिया है, एक पायल ये और एक पायल ये हटा दो यार, ये नहीं चाहिए। तो ये दोनों डिजाइन मैंने फाइनल कर लिया, जिसको जो पसंद आएगा चाहे किट्टो उसको ये पसंद आएगा, बन्ना को ये पसंद आएगा, तो ये दोनों ये फाइनल होगा, ये सिल्वर का
रहा परचेसिंग, यानी पायल मैंने ले लिया दो जोड़ा एक किट्टू के लिए, बंधना के लिए। तो अब आप पारी आती है गोल्ड की, गोल्ड में आयुष और दिखा देना कान को, दिखा जैसे होता है ना, और एक कान में जो छोटा छोटा उसका फैला हुआ उस टाइप का देना आप, ठीक है। तो ये दोनों पायल दोस्तों ले लिया है, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और आप लोग भी अपने बहन को गिफ्ट करते होंगे, तो मेरा फर्ज है हम भाइयों का कि हम लोग भी अपने बहन को दें। तो फाइनली पायल की परचेजिंग, अब देखते हैं गोल्ड, दिखा दो भाई गोल्ड, इसको उठा दो, इसको तोड़ लेना कितना है, ठीक है। तो ये भैया आ गया है गोल्ड में, ये देखो गाइस, ये भी अच्छा लग रहा है क्या, तो गोल्ड में है, एक ये ले लेते हैं, और ये डिजाइन तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें का तो हम देखे पहनती हैं, तो कि ये भी ठीक लगेगा क्या, आप भी देख के बता दीजिए कौन सा लेना है, पसंद कर लीजिए आप भी, कौन सा ले कौन सा ना ले। गोल्ड पायल मैंने पसंद कर दी, आप पसंद कर लो गोल्ड में, और कुछ निकाल रहे हैं क्या, और देख लीजिए जो आपको समझ में आए। गाइज आप बताओ आप लोगों को कौन सा अच्छा लग रहा है, हाँ और क्या, और कुछ डिजाइन आए उसको तो दिखा देना यार, पूरा पेटी का पेटी निकाल रहे हो, छापा पड़वा देंगे तुम्हारे यहाँ, ऐसे सोना वाले की छापा क्यों पड़ेगा भाई, जैसे ज्वेलरी की दुकान खोलेगा तो छापा जाएगा। ओ भाई ये भी गाइज अच्छा लग रहा है, लेकिन ना महंगा नहीं देंगे यार, महंगा हो जाएगा क्या, ये कितने तक पड़ेगा, 25,000 20,000 लमसम 20,000 18,000 15,000 अच्छा, भाई साहब देखिए पसंद कर लीजिए, अभी पसंद कर लीजिए कौन सा लेना है गोल्ड वाला, अब देख लेना छाट ले जो पसंद हो, चूज जो पसंद हो ले लो, बाकी आप देख लीजिए पहले। हाँ चलो अच्छा, इसमें से गाइस हम लोग देख लेते हैं गोल्ड कौन सा लेते हैं, क्योंकि लेना तो है ही, आप लोग देखोगे जब लोग अनबॉक्सिंग करेंगे या जब मैं दूंगा। तो यहाँ पे इतना गोल्ड रखा हुआ है, जैसे कि पायल हो ही चुका है, अब गोल्ड की पारी है, और भैया पसंद कर, मैंने बोल दिया भैया पसंद करो इस बार, एक तो ये ले लो छोटे में फैंसी डेली पहनने के लिए, एक वो हो गया, एक इसमें से देखते हैं कौन सा लेते हैं, एक अच्छा एक हाथ आपके हाथ में ही है, ये दोनों हाँ ऐसा दें कि एक ही वजन में एक ही टाइप का, नहीं तो किसी को बड़ा किसी को छोटा दोगे तो सबका मुंह फूल जाता है, होता है ऐसा ना कि उनको बढ़िया दे रहे हो उनको अच्छा दे रहे हो, तो हम भैया लड़ाई झगड़ा कराने वाला काम नहीं है, तो हम लोग भी एक गोल्ड ले लेते हैं, इसमें से आप लोग को दिखाते हैं जो भैया ने पसंद किया है, यही फाइनल ही रखता हूँ और लेके चलता हूँ, लोग को गिफ्ट करूँगा जब लोग चलेंगे तब, ये सरप्राइज गिफ्ट है उन लोग को नहीं पता है। चलो गाइस ये ले लेते हैं, आप लोग बताना कैसा लगा, चलो ठीक है चलो दोनों ये बना दो बिल, ठीक है, और डब्बा एकदम बढ़िया वाला दिया जाए, लगे कि हाँ यार तो हम नाम होए कि यहाँ से मिला बा, एक बार फिर से दिखा देते हैं हरिशंकर ज्वेलर्स, चारों तरफ से सामने मेन रोड भी है। A few moments later. गाइस शॉपिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है और आप लोग को देखने को मिल गया है, तो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग आपस में बात कर रहे हैं। दीदी क्या चीज़ जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं क्या बारे में, बोल ना कि आप कुछ तो बोल दीजिए, कुछ तो बोल दीजिए, ऑडियंस कहेगी देखिए बोल नहीं रहे, ऑडियंस तो कुछ नहीं बोलेगी, ऑडियंस क्या बोलेगी, ऑडियंस पता नहीं अमित भैया है। हे गाइस दीपक भाई के चैनल को खूब लाइक करो, खूब कमेंट करो, खूब शेयर करो, खूब फॉलो करो, अगर अच्छी वीडियो लगे तो, ना लगे तो ना लगे तो यार कमेंट भी देना। तो गाइस चलो जी सब दोस्तों ब्लॉग को करते समाप्त, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।